इंदौर की पारंपरिक झांकियों की मनमोहक झलक दो साल के बाद दिखाई देगी। मेलों से निकलने वाली झांकियां बनकर तैयार है और बस अब इंतजार है अनंत चतुर्दशी का। इस बार की झांकियां अलग ही स्वरूप में तैयार की गई हैं। निन्यानवे साल पहले शुरू की गई परंपरा अब भी इंदौर में देखने को मिलती है। इस बार झांकियों में राम मंदिर, आजादी का अमृत महोत्सव और लठमार होली के दृश्य भी देखने को मिलेंगे। यहां की झांकियों को दूर दराज से देखने के लिए लोग एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं। अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली ये झांकियां रात भर निकलती हैं। मिल मजदूरों ने इस परंपरा की शुरुआत बहुत पहले की थी। पहले मजदूर एक दिन की तनख्वाह देकर झांकियां निकालते थे। अब नगर निगम और आईडीए से कुछ फंड मिलता है, उसी में ये झांकियां तैयार की जाती हैं। मिलें बंद हो गई, पैसा अब उतना मिलता नहीं है मिलों से और खर्च बहुत लगता है, तो अब मजदूरों को भी इतना पैसा मिलता नहीं है। सरकार को चाहिए कि इसमें दूसरे लोगों को जोड़े, दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़े और इस परंपरा को इंदौर में जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि एकमात्र यही परंपरा ऐसी है इंदौर की जिसमें पूरे प्रदेश भर से लोग झांकियाँ देखने आते थे। इस बार 6 मिलों की निकलने वाली 14 झांकियों का काम पूरा हो चुका है। झांकियां चिमन बाग से शुरू होकर गुरुद्वारा, मुंबई बाजार, मल्हारगंज होते हुए राजबाड़ा पहुंचेंगी। राजकुमार मिल की झांकी को तो 99 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मिल से 2 झांकियां निकलेंगी। झांकियों का इतिहास तो इंदौर में बहुत पुराना है, करीबन 100 साल का। 2 साल कोरोना के निकलने की वजह से झांकियां निकल नहीं पाई थी, तो इस बार दुगने उत्साह से ये झांकी निर्माण भी हो रहा है और लोगों में भी काफ़ी उत्सुकता है इसके प्रति। तो हमारा तो यही है प्रयास कि शहर की जनता को एक नई चीज़ दिखाएंगे हम इस बार। 1924 में चालू हुआ और पहली झांकी जो निकली थी वो बैलगाड़ी पे थी। उस समय जनरेटर और ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं थी, तो बैलगाड़ी पे निकली थी और सारे मजदूर जुलूस के रूप में रात भर भजन करते, गाते हुए, नाचते हुए। और वो ये रूट जो अभी जो इतना बड़ा दिया है 15 किलोमीटर का, ये बड़ा रूट नहीं था, ये सिर्फ झांकी किशनपुरा जो छतरी हैं अपने वहाँ तक जाता था और वहाँ गणेश जी सुबह विसर्जन करके और वापस आते थे लोग। झांकी बनाने वाले कलाकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्हें उनकी कला का ठीक दाम नहीं मिलता। पहले मिले चालू थी तो आमदनी अच्छी हो जाती थी, जब से ये मिलें बंद हुई हैं कलाकारों की आमदनी पर बुरा असर पड़ा है। बहुत चुनौती साहब, 2 महीने हो गए हमारे कलाकारों को हमारी मूवमेंट देने के लिए और जेब से पैसा लगा खर्च करके वो अपना नाम ऊंचा करने के लिए झांकी बना रहे हैं। पैसा कुछ नहीं मिलता, लागत बहुत ज़्यादा है, खर्च हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। इसलिए हम निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि शहर की जो दानदाता है जनता वो आगे आए और हमें मदद करे ताकि हम ये चिरकाल जो बनी हुई है हमारी जो परंपरा उसको स्थायी बना सकें। फंड को लेके परेशानी आती है कि समिति जो द्वारा वो तो बेचारे संघर्ष करते रहते हैं, मगर अभी 2 साल में जो कलाकार लोग हैं उनकी स्थिति बहुत डाउन हो गई थी, क्या मगर पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मैं एक छोटी सी मेरे तरफ से सही जो सोचता हूँ वो कहना चाहिए कि अगर कलाकार जिंदा रहेगा तो कला जिंदा रहेगी। आज़ादी के पहले से ही इंदौर में ये पारंपरिक झांकी निकलती रही हैं। कोरोना की वजह से 2 साल भले ही सूना रहा, लेकिन इस बार उत्साह 2 गुना है, तैयारी भी पुरजोर है। अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर।